हाय फ्रेंड, एक न्यू मूवी आई है जिसका नाम है कंजूस मक्खी चूस। ये मूवी है ना, फुल कॉमेडी मूवी है और फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगा, आप ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि है ना, इस फिल्म के जो मेन लीड है कुणाल खेमू, वो इस फिल्म में ना बहुत ही ज्यादा कंजूस बताए गए हैं। मतलब इतने कंजूस की भाजी भी लाते हैं ना तो ऐसे करके लाते हैं कि दो टाइम के लिए हो जाए, और कोलगेट भी यूज करते हैं ना तो पूरा खत्म होने पे आता है, तब तक छोड़ते नहीं है कोलगेट। बहुत ही ज्यादा कंजूस बताए गए हैं, पर इस कंजूसी के पीछे भी एक वजह है उनकी, कि उनके मॉम डैड की नॉलेज है कि उनको है ना चार धाम यात्रा पे जाने का है, तो उनके इस चीज के लिए है ना ये बहुत ही कंजूसी करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने मॉम डैड को चार धाम यात्रा पे भेज देते हैं। पर फिल्म में एक ट्विस्ट तो आता ही है, उनके मॉम डैड चार धाम यात्रा पे चले जाते ही वहां पे बाढ़ आ जाती है, तो मॉम डैड को ऐसा फिल्म में दिखाया जाए कि उनके मॉम डैड मर चुके हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है, है ना। मॉम डैड तो मर चुके हैं फिल्म में ऐसा दिखाया है। तो अब है ना, वो एक इनके जो बेटे हैं वो ढूंढने जाते भी हैं वहां पे, पर इनको वहां पे ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कुछ पता चलता है अपने मॉम डैड का। तो ये इनके मोहल्ले वाले बोलते हैं कि 25 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो अभी शायद वो मर चुके होंगे। तो बाढ़ में जितने भी लोग मरे थे ना, उस उनके परिवार वालों को सरकार ने ना पैसे देने की अनाउंस किया है, जितने भी लोग मरे हुए रहेंगे उतना पैसा मिलेगा परिवार वालों को। तो ये सारे मोहल्ले वाले इसको समझाते हैं कि अब वो तो आएंगे नहीं, तुम पैसा ले लो और शायद उनकी आखिरी आखिरी चीज होगी, ऐसे सब समझाते हैं। तो ये ना पैसा ले लेते हैं सरकार से, पर सरकार पैसा दे रही है इतनी आसानी से तो देगी नहीं ना, घपला तो करेगी पब्लिक के पैसे में। तो किस तरह सरकार पब्लिक के पैसों के साथ घपला करती है ये मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सरकार की पूरी क्या क्या घपले करती है पब्लिक के पैसों के साथ, ये मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मूवी है ना फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है, आप ये परिवार के साथ देखो, बच्चों के साथ भी देखो। और किस तरह सरकार की ये पूरी कहानी बताई गई है मूवी में, किस तरह उस चीज को हैंडल करते हैं ये इनका परिवार और ये इनके बेटे, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मूवी की कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, और साथ ही साथ है ना ओवरऑल मुझे तो पूरी मूवी अच्छी लगी देखने में। पर अगर आपने देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली मैं ना नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।